तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। देन हमने समझा था कि सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने देखा था, अगर कोई भी हमारे पास फॉर्मुलेटेड ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड आपके पास अगर एक एलपीपी गिवन थी तो उसकी सॉल्विंग हमने देख ली थी, राइट। ऑल्सो दो थ्योरम के बेसिस पर हम हमेशा ये सॉल्व कर रहे हैं। पहला थ्योरम याद करते हैं, पहला थ्योरम ये था, अगर हमारे पास एलपीपी जिसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस, तो ये हमारे पास एलपीपी होती है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये दो थ्योरम के बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास आर फीजिबल रीजन है आपकी एलपीपी के लिए, जो कंस्ट्रेंट से आप फॉर्म करते हैं, अगर आपके पास आर एक फीजिबल रीजन आ रहा है, तो अगर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर करेगी फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर करेगी तो वो हमेशा हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही अकर करेगी फीजिबल रीजन के। पहला थ्योरम ये कहता है। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा फीजिबल रीजन बाउंडेड है तो जरूर जरूर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और वो कॉर्नर पॉइंट पर ही आएगी। अनबाउंडेड के लिए हमने देखा था कि हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, हो सकता है नहीं भी आए, बट अगर आएगी तो जरूर जरूर कॉर्नर पॉइंट पर ही आएगी। एंड देन हमने इसके लिए देखा था अनबाउंडेड के केस में हमारे पास थोड़ा सा अलग है, टू टेस्ट वेदर जो भी हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आई है वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है या नहीं, तो वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उधर से रिवाइज कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इधर क्या होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, आप उसका डेटा जो भी गिवन है उससे अपने आप एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे और उसको फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन ही आता है एलपीपी का, तो आज हम लोग ये समझेंगे। लेट्स से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फर्निशिंग। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फर्निशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिव। The company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model A and rupees 1,200 on each piece of model B. So, how many pieces of model A and model B should be manufactured per week so as to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? So, ये question है, तो पहले अब हम इसको समझते हैं। देखो, एक कोई भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, ए और बी। अब इन्हीं के प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बोला गया है जो मॉडल ए हमारे पास बन रहा है तो उसके लिए हम फैब्रिकेटिंग के लिए 9 लेबर आवर्स डिवोट करेंगे, और जो फर्निशिंग के लिए है मॉडल ए के लिए वो 1 लेबर आवर्स हम डिनोट करते हैं। मॉडल बी के लिए 12 लेबर आवर्स लगेंगे फैब्रिकेटिंग के लिए, और फर्निशिंग के लिए लगेंगे 3 लेबर आवर्स। तो हम पहले इसी इंफॉर्मेशन को अपने पास लिख लेते हैं, सो दैट जब भी मैं इसको फॉर्मुलेट करूंगी एलपीपी को तो मेरे पास एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन होगी कि क्या मेरे पास मॉडल्स किसका हमें फैब्रिकेटिंग दिया है, फर्निशिंग के कितने आवर्स दिए, ये सब हमें क्लियर पता चल जाएगा। तो देखो, मॉडल है हमारे पास, मॉडल की बात हो रही है, उसके फैब्रिकेटिंग के लिए लेबर आवर्स गिवन है, फर्निशिंग के लिए हमारे पास है
मैं मॉडल्स यहाँ लिख रही हूँ. मॉडल जो हमारे पास है, मॉडल वो दो टाइप के मॉडल्स हैं, तो वो हम इधर लिख लेंगे. और फैब्रिकेटिंग और फर्निशिंग के लिए जो हमारे पास गिवन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लिख रहे हैं. फैब्रिकेटिंग के लिए हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन है, एंड फर्निशिंग के लिए ये हम लिखेंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन. ठीक तो अब देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है. देखो सबसे पहले मेरे पास दो टाइप के मॉडल्स हैं. तो मॉडल है, एक तो ए मॉडल है और एक बी मॉडल है. तो मॉडल ए की फैब्रिकेटिंग के लिए जो टाइम लग रहा है वो है 9 लेबर आवर्स, और फर्निशिंग के लिए जो लग रहा है मॉडल ए के लिए वो लग रहा है 1 लेबर आवर. देन फैब्रिकेटिंग के लिए, बी के लिए लग रहा है हमारे पास टाइम 12 लेबर आवर्स, और फर्निशिंग के लिए लग रहा है 3 लेबर आवर. राइट. अब आगे क्या बोला है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. मतलब जो मैक्सिमम टाइम हमें फैब्रिकेटिंग के लिए हमारे पास है और फर्निशिंग के लिए है वो हमें गिवन है, तो वो भी हम नोट कर लेते हैं. तो लेबर आवर्स अवेलेबल जो हमारे पास है वो सिर्फ इतने हैं, फैब्रिकेटिंग के लिए इन टोटल 180 एंड फर्निशिंग के लिए इन टोटल 30 लेबर आवर्स है. तो बताया गया है द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए. इधर से जो मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है मॉडल ए से, वो हर एक पीस पर हो रहा है 8,000 रुपीज, और मॉडल बी के हर एक पीस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है 12,000 रुपीज का. तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने पीस बना लें ए के और बी के, सो दैट आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालेंगे. तो यू विल गेट दिस प्रॉब्लम, और वो लिखेंगे सॉल्व, फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली, ऐसा लिख कर आएगा आपके पास. तो आपको इसको खुद ही फॉर्मुलेट करना है एलपीपी फॉर्म में. एंड फिर इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली. तो फॉर्मुलेट करने का क्या मतलब है, फॉर्मुलेट करने का ये मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन को आप लिखो एलपीपी की तरह. जैसे हमने सीखा था कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, तो उस फॉर्म में आपको इसको लिखना है और फिर हम सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको जो फॉर्मुलेशन बता रही हूँ एलपीपी की, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे. तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने पीसेस बनाओ मॉडल ए और मॉडल बी के, तो हम उसको पहले अज्यूम करेंगे कुछ. लेट्स से लेट एक्स पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड वाई पीसेस ऑफ मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर पर वीक. तो हमने अपने आप ले लिया कि इतने पीस हम उसके बना लें मॉडल ए के और इतने पीस. तो ए के एक्स बना रही हूँ मॉडल, और इसके हम बना रहे हैं वाई पीसेस. ठीक है, अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी को. तो देखो, मुझे जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी में लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो क्योंकि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप लिखोगे पहले मैक्स जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगी, मतलब जिसको भी मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है. तो देखो, एक पीस से प्रॉफिट हो रहा था ए के 8,000, तो एक्स पीसेस से कितना होगा 8,000 × x. ऐसे ही बी के एक मॉडल से 12,000 हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो वाई पीसेस से कितना होगा 12,000 × y. जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया 8,000 x + 12,000 y. सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सबसे पहले यही लिखा जाएगा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं दैट योर दिस इज योर एलपीपी. तो आपने लिख दिया पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z, और आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दिया.
अब लिखने हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट टू, नाउ यू विल राइट ऑल योर कंस्ट्रेंट्स। तो अब कंस्ट्रेंट्स क्या है ये देखो, कंस्ट्रेंट्स ये है कि फैब्रिकेटिंग के लिए जो लेबर आवर मेरे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है और फर्निशिंग के लिए भी लिमिटेड है। तो मैं वही कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर लिखूंगी। तो पहले मैं फैब्रिकेटिंग वाले कंस्ट्रेंट्स लिख रही हूँ। देखो क्योंकि एक पीस की फैब्रिकेटिंग के लिए मॉडल लेके लग रहा है 9 लेबर आवर, तो एक्स पीसेस को कितना लगेगा, 9x, 9 × x लेबर आवर्स, राइट। ऐसे ही जो मॉडल बी के एक पीस के फैब्रिकेटिंग के लिए टाइम लग रहा है दैट इज 12 लेबर आवर्स, तो वाई पीसेस के लिए कितना लगेगा, 12 × y। तो ये पूरा फैब्रिकेटिंग के लिए टाइम मेरे पास आ गया है और अवेलेबल कितना है, 120, मतलब उससे एक्सीड तो नहीं हो सकता ना, तो या तो इतना टाइम लगेगा या इससे कम ही होगा, उससे एक्सीड नहीं हो सकता, सो दैट इज 180। सो दिस कंस्ट्रेंट जो हमने ये फॉर्म किया दिस इज फॉर फैब्रिकेटिंग, ठीक है, फैब्रिकेटिंग के लिए कंस्ट्रेंट आ गया। देन ऐसे ही हम फर्निशिंग के लिए कंस्ट्रेंट बनाएंगे, तो फर्निशिंग के लिए क्या है, मॉडल ए के एक पीस की फर्निशिंग के लिए टाइम लग रहा है 1 लेबर आवर, तो एक्स पीसेस के लिए कितना लगेगा, 1 × x। ऐसे ही मॉडल बी के एक पीस की फर्निशिंग के लिए लग रहा है 3 लेबर आवर्स, तो वाई के लिए कितना लगेगा, 3 × y। तो ये पूरा हमारा फर्निशिंग का टाइम लग रहा है और बोला गया अवेलेबल टाइम कितना है, दैट इज ओनली 30, तो उससे तो एक्सीड नहीं हो सकता, सो दिस इज माई कंस्ट्रेंट। ठीक है, फैब्रिकेटिंग बन गया, फर्निशिंग का कंस्ट्रेंट हो गया। अब कभी भी जब एलपीपी होगी तो एक कंस्ट्रेंट हमेशा हमेशा आएंगे, आंख बंद करके हमेशा लिखना है, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये कंस्ट्रेंट हमेशा रहेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जो हमने लेट किया है, हमने x पीस बना रहे मॉडल ए के और y पीस बना रहे मॉडल बी के, तो नेगेटिव पीसेस बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। या तो वो 0 पीसेस हो सकते हैं या फिर ऑब्वियसली 1, 2, 3 ऐसे कुछ पीसेस होंगे, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एलपीपी में हमेशा हमेशा हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो ये हमारे पास हो गई है हमारी एलपीपी, हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने अपने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए। तो अगर आप इसको करेक्टली लिखते हो सो यू विल गेट 2 marks, इसके आपके 2 marks होते हैं, राइट। एलपीपी फॉर्मुलेट हो गई है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे ग्राफिकली। तो अब आ जाते हैं अपने ग्राफिकल सॉल्यूशन पर। तो क्या करते थे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए, जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो कंस्ट्रेंट होते हैं उन्हीं से फीजिबल रीजन आता है और फिर उसको प्लॉट कर, जो भी हम प्लॉट करके फीजिबल रीजन फाइंड करते हैं, देखते हैं वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड, और उसी के अकॉर्डिंग फिर थ्योरम से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम पहले तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 9x प्लस 12y इज लेस देन और इक्वल्स टू 180, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4y, मैंने 3 से इसको पूरा डिवाइड कर दिया, 30 से 3 से डिवाइड कर दिया, इज लेस देन और इक्वल्स टू 60, राइट। तो ये फर्स्ट मेरी इनइक्वालिटी है, सेकंड में कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, एज इट इज रख रही हूँ मैं अपनी इनइक्वालिटी। एंड थर्ड इनइक्वालिटी है एक्स, ये हमारे इनइक्वालिटीज आ। अब सॉल्विंग के लिए हम क्या करते थे, हम पहले इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं प्लॉटिंग के लिए और शेडेड रीजन ढूंढते हैं, राइट। तो ऐसे ही लिखेंगे, एक बार x को 0 रखो, y आपके पास आ जाएगा 50, एक बार y 0 रखो, x आ जाएगा आपके पास 20। तो ये फर्स्ट के लिए मेरे पास आ गया। दूसरी वो भी मैं लिख लेती हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो हम प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, एक बार x को 0 रखा y 10, एक बार y को 0 रखा x 30, तो हमारे पास ये बन गया, राइट।
अब मैं इनकी प्लॉटिंग करती हूँ, फिर शेडेड जो हम शेडिंग करेंगे वो मैं इसी के नीचे इधर ही एक्सप्लेनेशन लिखूंगी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है शेडिंग वाला, वो उसको ज्यादा फैलाकर लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको छोटे से फॉर्म में लिखो, जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना अच्छा लगेगा। तो अब मैं इधर इसको प्लॉट कर लेती हूँ। तो पॉइंट्स जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है वो है 0 15 20 0, 0 15 0 15 विल बी दिस पॉइंट एंड 20 0 20 0 इज दिस पॉइंट, राइट। यही हमारे पास, मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ लाइन से, राइट, और उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कौन सी लाइन है। सो यू ज्वाइन दिस एंड नाउ मेंशन कि ये कौन सी लाइन है, इसके ऊपर मेंशन कर लेते हैं। ये लाइन है मेरे पास 3x + 4y = 60, 3x + 4y = 60, राइट। आप देख सकते हैं एक साइड इसमें 0 0 आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, तो इसी के लिए शेडिंग चेक कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग 0 0 इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए था, तो 0 < 60 विच इज ट्रू, तो आप लिखेंगे शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन या 0 0, शेडिंग टूवर्ड्स 0 0। मैं इसके लिए शेडिंग कर देती हूँ टूवर्ड्स 0 0, और क्योंकि आपको पता है हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, y < 0 मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब कुछ आएगा, उसके बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, राइट। तो ये मेरा शेडिंग हो गया इसके लिए। अब ऐसे ही हम निकालते हैं, नीटली करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जा रहा है बट आप नीटली करेंगे। देन दूसरी लाइन के लिए हम देख लेते हैं कि शेडिंग किधर होने वाली है। तो लेट्स सी, इसको प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स हैं 0 10 एंड 30 0, तो 0 10 एंड 30 0, 0 10 इज दिस पॉइंट एंड 30 0 इज दिस पॉइंट। इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं हम, राइट। ये लाइन है हमारी, इसको एक्सटेंड करके इसके ऊपर लिख लेंगे हम। सो ये लाइन हमारी है x + 3y = 30, दिस इज द लाइन, राइट। अब इसके भी एक साइड ओरिजिन आ रहा है, तो हम 0 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग 0 0 इन सेकेंड, ये सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए, तो 0 < 30 विच इज अगेन ट्रू, तो शेडिंग टूवर्ड्स 0 0 ओरिजिन, राइट। तो शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन, मैं इसके लिए शेडिंग कर रही हूँ ओरिजिन की तरफ, तो लेट्स शेड फॉर दिस लाइन, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारी शेडिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं जो हमारा शेडेड रीजन आया है उसमें कॉमन रीजन कौन सा है, इट इज दिस पोर्शन, ये पोर्शन आया, दिस इज कॉमन टू बोथ, राइट। तो हम इसको ही इसके कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, और हमेशा इनको नेम करना है और बड़ा बड़ा करके इनके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो ए हम ओ तो लिख रहे हैं, इसको ए रख रहे हैं, इसको बी और इसको सी रख रहे हैं। तो देखो ओ तो मेरे पास है 0 0, ए भी मेरे पास है 0 10, बी मेरे पास नहीं है बट सी मेरे पास है, दैट इज 20 0।
क्योंकि बी मेरे पास नहीं है तो मैं बी निकालना चाहती हूँ। तो हमने सीखा था लास्ट टाइम कि जो भी आपके पास नहीं होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, बाय सीइंग कि वो कौन से दो लाइन से बना हुआ है। तो दिस इज बी पॉइंट, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज बी हम निकाल रहे हैं, सो वी विल सॉल्व बोथ द लाइन्स टुगेदर, दैट इज 3x + 4y = 60 और दूसरा है x + 3y = 30। तो मैं इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज 3x + 9y = 90 एंड देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग। ये आपके पास आ जाएगा -5y = -30, सो y = 6। अगर y 6 है तो हम x निकाल लेंगे, तो x फाइंड आउट करते हैं। आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको और फिर निकालेंगे। तो लेट से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ अपनी फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम में। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में इसी में सब्स्टिट्यूट करें x + 3y = 30 में, तो x + 6 = 18 = 30। सो x मेरे पास आ गया 12, राइट। तो ये पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है बी, वो पॉइंट आया है, वो आप मार्क करके लिख देंगे 12.6। दिस इज द पॉइंट। तो अब चलते हैं आगे। क्या करना होता था, जैसे ही फीजिबल रीजन आ जाता है हम हमेशा देखते हैं कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, क्योंकि अब हमारा एलपीपी का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो फीजिबल रीजन इज ओ ए बी सी ओ विच इज बाउंडेड। तो आप लिखेंगे therefore maximum value of objective function will occur at the corner point of the feasible region, right? जरूर अकर करेगी, और कहाँ अकर करेगी, corner point पर। तो अपना कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं हम, तो इसको लिखेंगे पहले हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आने वाले हैं, और यहाँ पर अपना लिख लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट वाज 8000x + 12000y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ओके, तो पहला पॉइंट है 0 0, सारे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने, कोई भी बीच में छोड़ना नहीं है। 0 10 12 6 and C हमारे पास है 20 0। तो इनको अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये 0 बन जाएगा, दिस विल बी 1,20,000, दिस विल बिकम 12 8s are 96 एंड 12 6s are 72। तो आप इसको करेंगे, दिस विल बी 1,68,000 एंड इसको करेंगे लास्ट वाले को 20, so that will be 61,60,000। तो ये मेरे पास values आई है, right? अब चलते हैं अपने question पर कि मेरा question क्या था। question था हमें ढूंढना था कि profit को maximum कब होगा, right? तो अब मैं देख सकती हूँ जो मेरी profit की value है वो maximum कब आ रही है। वो maximum आ रही है जब x 12 है और y 6 है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप लिखेंगे अपना फाइनल आंसर वर्ड फॉर्म में देना है, आप लिखेंगे द मैक्सिमम
प्रॉफिट विल बी रुपीज 1,68,000 विच विल बी अचीव्ड व्हेन 12 पीसेस ऑफ मॉडले एंड 6 पीसेस ऑफ मॉडल बी आर मैन्युफैक्चर्ड पर वीक. सो दिस कंप्लीट्स योर एलपीपी. तो सारे ही एलपीपी प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, आप इंफॉर्मेशन लिखिए उससे एलपीपी फॉर्मुलेट करो. सॉल्विंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सॉल्विंग देखेंगे, फिर बस ये देखना है रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर है उसका वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में ही हम आंसर कर देंगे, फाइनल आंसर दे देंगे. सो दिस इज योर आंसर. दिस वॉज वन क्वेश्चन ऑन एलपीपी. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. द क्वेश्चन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. The profit from crops X and Y per hectare are estimated as ₹10,500 and ₹9,000 respectively. To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops X and Y at the rate of at the rate of 12 liters and 10 liters per hectare. Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects the drainage from the land. How much land should be allocated to each crop X and Y, each crop, so that the maximum, so that you will maximize the total profit of the society. So question ye hai ki hamare paas ek cooperative society hai farmers ki aur उनके पास है 50 हेक्टेयर्स लैंड जिस पर वो क्रॉप्स, दो टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, एक्स और वाई. अब बताया गया जो प्रॉफिट मिल रहा है क्रॉप एक्स से वो मिल रहा है 10,500 पर हेक्टेयर अगर वो ग्रो करते हैं क्रॉप एक्स, और 9,000 मिलता है वाई क्रॉप ग्रो करने से पर हेक्टेयर. ये भी बताया है वीड्स कंट्रोल करने के लिए जो एक्स क्रॉप और वाई क्रॉप पर हम हर्बिसाइड्स डाल रहे हैं पर हेक्टेयर वो डाल रहे हैं 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स, और बोला है 800 लीटर से ज्यादा हर्बिसाइड हम यूज भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो कितना लैंड एलोकेट किया जाए क्रॉप एक्स को और क्रॉप वाई को सो दैट आपका प्रॉफिट क्या हो जाए मैक्सिमम, राइट. अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको पहले तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको फॉर्मुलेट करना है एज एलपीपी. तो आप अपनी इंफॉर्मेशन एक बॉक्स में लिख सकते हैं अपने लिए सो दैट कुछ मिस नहीं हो जाए. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है. तो हम बात कर रहे हैं दो टाइप के क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स जो डील कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, X type of crop और Y type of crop. Land की बात हुई है तो land कितना इस crop को दें मुझे नहीं पता, तो आप ले सकते हैं let X hectares of land be allocated to this and Y hectare. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ let X and Y hectares of land be allocated two crops X and Y respectively. इतना लैंड हम इनको एलोकेट कर रहे हैं और टोटल अवेलेबिलिटी जो लैंड की है दैट इज 50 हेक्टेयर्स, राइट. उतना ही है उनके पास, 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अवेलेबल है. ओके, देन हर्बिसाइड की कंडीशन है,
जो हर्बिसाइड है हम यूज कर रहे हैं, इधर हम 20, इधर हम 10 यूज कर रहे हैं, और 800 से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, राइट? तो अब हमें बताना है कि कितना एलोकेट करें, तो यही एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट भी बताया गया तो प्रॉफिट भी लिख लेते हैं इधर ही। प्रॉफिट जो मिल रहा है एक्स क्रॉप ग्रो करने से पर हेक्टेयर, दैट इज 10,500, और इससे जो मिल रहा है दैट इज 9,000, इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है इनको ग्रो करने से। तो हम अब अपनी एलपीपी फॉर्म करेंगे। एलपीपी कैसे फॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम हमेशा लिखते हैं कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो आप लिखोगे मैक्स जेड, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना बनेगा। तो एक्स लैंड अगर एलोकेट करूँ कैपिटल एक्स क्रॉप को, तो 10,000 मिल रहा था 1 हेक्टेयर से, तो एक्स हेक्टेयर से कितना मिलेगा, 10,500 × x। एंड 1 हेक्टेयर वाई क्रॉप ग्रो करने से मिल रहा है 9,000, तो वाई हेक्टेयर करने से कितना मिलेगा, 9,000 × y। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा इन दोनों को ऐड करके। और इस पर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं लैंड की, सबसे पहले तो कि जो टोटल अवेलेबिलिटी है लैंड की वो एक्सीड नहीं कर सकती 50 से। एंड ऑल्सो हर्बिसाइड की कंडीशन है कि एक्स हेक्टेयर पर आप 20x ही डाल पाओगे, और वाई हेक्टेयर लैंड पर 10 × y ही डाल पाओगे, और टोटल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है दैट इज 800, राइट? इतना ही हम डाल सकते हैं हर्बिसाइड। तो ये लैंड की कंडीशन हमने लिख ली, हर्बिसाइड की कंडीशन लिख ली, और एक तो हमेशा हमेशा रहती ही है एलपीपी में, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, तो लैंड या तो पॉजिटिव ले लेगा कोई नंबर या फिर 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास एलपीपी फॉर्मूला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके हम देखते हैं पॉइंट्स निकालते हैं, राइट? तो पहला ये है और दूसरा हमारे पास है। दूसरे वाले को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करके। फर्स्ट इज एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो वो मैं एज इट इज रख रही हूँ, और दूसरे वाले को मैं लिख रही हूँ 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 80। ये सेकेंड हो गया। एंड थर्ड, हमारी ये कंडीशन तो हमेशा है ही, इनको एज इट इज, राइट? तो 2x + y = 80, इसके लिए भी हम निकाल लेंगे। ओके, तो x0 y 50, y0 x 50, x0 y 80, y0 x 40, ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन शेडिंग की इधर ही लिखेंगे, पहले इनको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर। तो हमारे पास एक पॉइंट है 0 50 50 0, तो इधर मार्क कर लेते हैं, ये 10 20 करके मार्क कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इधर ठीक रहेगा। 10 20 30 40 60, ओके। तो एक हमारे पास जो पॉइंट आया है वो है 0 50 एंड 50 0, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये जो मेरे पास लाइन है दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ये लाइन है राइट right? इसके आप देख रहे हो एक साइड ओरिजिन आ रहा है तो हम यही शिफ्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो सब्सटीट्यूट है 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये आप देख सकते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 विच इज ट्रू तो आप लिखेंगे शेडिंग टूवर्ड्स 0 0 टूवर्ड्स ओरिजिन राइट तो इसके लिए शेडिंग कर लेते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे क्योंकि हमें पता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की तो कंडीशन चल ही रही है राइट तो ये हमारा शेडिंग हो जाएगा इसके लिए राइट ये हो गया हमारा दूसरा हम करते हैं दूसरे पॉइंट से 0 80 एंड 40 0 तो 0 80 इज दिस 40 0 इज दिस तो इसके लिए हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारी लाइन है और ये कौन सी लाइन है हम इसके ऊपर लिख देंगे तो ये लाइन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 80 ये वाली लाइन है तो इसके लिए हम देख लेते हैं शेडिंग किस तरफ होगी क्योंकि ओरिजिन आ रहा है एक तरफ तो हम यही करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 0 0 इन सेकेंड इन इक्वालिटी एंड सेकेंड में डालोगे तो 0 इज लेस देन 80 इक्वल्स टू 8 2 है तो आप लिख देंगे शेडिंग टूवर्ड्स अगेन 0 राइट तो शेडिंग टूवर्ड्स 0 0 शेड कर लेते हैं तो मैं इसको शेड करती हूँ राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने शेड कर लिया तो ये आ गया अब जो आप देख रहे हो इन दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है दैट इज विच रीजन इट इज कमिंग आउट एज दिस रीजन ये वाला रीजन कॉमन है दोनों के लिए अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हमें कुछ दिख रहा है ये भी तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम डार्कन कर लेंगे नेम कर लेंगे लेट्स से दिस इज ओ ए बी सी राइट अगेन मार्क कर लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स क्या कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज 0 50 बी मुझे नहीं पता सी मुझे पता है 40 0 तो अगेन मुझे निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा That is C, दोनों lines को solve करके मिलेगा तो मैं solve कर लेती हूँ एक लाइन है x plus y equals to 50 और दूसरी लाइन है 2x plus y equals to 80 सीधा ही हम subtract कर सकते हैं so, minus x is equals to minus 30 x is equals to 30 आ गया तो so, x 30 तो मैं first में अगर substitute कर लूँ तो y कितना आ गया y is 20 राइट तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया विच इज 30 20 तो मैं 30 20 इधर मार्क कर लेती हूँ राइट
अब हम बताएंगे कि हमारा फीजिबल रीजन कैसा है. तो फीजिबल रीजन इज ओ ए बी सी ओ विच इज बाउंडेड, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है विल अकर एट द कॉर्नर. ठीक है, तो हम अपना कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लेते हैं. हमेशा टेबल ही बनाना है कॉर्नर पॉइंट के लिए, नीट लगता है. अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उन्हीं पर इवैल्यूएट कर लेंगे. तो कॉर्नर पॉइंट्स एंड योर जेड, जेड वाज जिसकी हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे. तो जेड जो हमारा है विच इज दिस 10,500 x, प्लस 9,000 y. तो पहला है O which is 0,0, then A which is 0,50, then B which is 30,20, and C which is 40,0. So this is 40,0. तो इन्हीं को इवैल्यूएट अगर आप करोगे तो पहला तो जीरो हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 0,50, दिस विल बी 4,50,000. देन 30,20 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे दैट विल गिव यू 4,95,000. एंड 40 दिस इफ यू डू सो दैट बी 4,20,000. ये आप इवैल्यूएट करके देख सकते हैं, ये आपके पास वैल्यूज आएंगे. तो अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमम देखना था, किस पर आ रहा है. तो मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो मैक्सिमम इज 4,95,000. तो आप आंसर कर सकते हो, हमारे पास आ गया है. क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और कितना लैंड आप एलोकेट करें. सो 30 हेक्टेयर्स एंड 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मस्ट बी एलोकेटेड टू क्रॉप एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली सो एज टू realize a maximum profit of rupees kitna 4,95,000. And this is your answer. तो आज हमने देखे दो problems on LPP. बाकी के भी सारे problems ऐसे ही होंगे जहां पर हम LPP formulate करेंगे और graphically solve करेंगे.